सतवास में कन्नौज नाके पर खुली नई शराब दुकान के विरोध में रविवार को लोगों ने नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। नगर में मुख्य मार्ग और सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले मार्ग पर ठेकेदार द्वारा नई शराब दुकान खोल दी, जबकि पुरानी दुकान यात्रा मैदान पर थी। इस संबंध में पूर्व में नागरिकों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार मैडम को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में ये लिखा था, अगर शराब दुकान दो दिन में नहीं हटेगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी संबंध में रविवार को धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी पहुंचे। उन्होंने नागरिकों से चर्चा की। सतवा से जीतू सिंघी की रिपोर्ट। हम जो यहाँ पर मुख्य चौराहा पर जो शराब की दुकान खुली उसके विरोध में धरना प्रदर्शन यहाँ पर सांकेतिक आयोजित किया गया है। आज से 3 दिवस पूर्व हमने प्रशासन को आगाह किया था कि अगर 3 दिवस में दुकान यहाँ से स्थानांतरित नहीं की गई है तो हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। आज रविवार होने के कारण हमने प्रशासन के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ सांकेतिक धरने का यहाँ पर आयोजन किया है। अगर कल तक ये शराब दुकान यहाँ से नहीं हटी गई तो हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।